जो एक प्रोसेस ऑफ इंटरनल सबवर्शन है, उसकी पैठ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उस पे आज हम अपने जो बनवाने वाले ये हमने उसकी है स्टेज पे रसाना केस कैसे एक मील का पत्थर साबित हुआ है जम्मू के लोगों ने। जम्मू अप्रैल तक पूरी दुनिया को ऐसा कुछ पता नहीं, जम्मू में भी जुड़े जुड़े लोग हैं। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और वेबसाइट और सब के ऊपर और बच्ची का नाम एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रयास हुआ है जिसमें राष्ट्र को सेंटर में रखा गया है, जिसमें जम्मू संभाग को राष्ट्रवादी समाज को सेंटर में रख के उसके अराउंड कोई ताना बाना बुनने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले पूरे जम्मू संभाग की तरफ से, जम्मू कश्मीर के हिंदू समाज की तरफ से, डोगरा समाज की तरफ से, पूरे राष्ट्रवादी समाज की तरफ से मैं बहुत 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 बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम जिन्होंने पहली बार एक पैराडाइमल शिफ्ट पूरी इंट्रोड्यूस करके कि पहले तो सब कुछ कश्मीर सेंट्रिक होता था, नैरेटिव कश्मीर सेंट्रिक होता था, इस्लामिस्ट नैरेटिव होता था, कम्युनिस्ट नैरेटिव होता था, एंटी जम्मू नैरेटिव होता था, एंटी हिंदू नैरेटिव होता था, एंटी डोगरा नैरेटिव होता था, उन सबको पार पाके ट्रांसेंड करके एक पैराडाइम शिफ्ट करके ये किताब लिखी है जो मुझे लगता है कि जम्मू संभाग की गीता के रूप में आपके सामने आज पेश की जा रही है। अ गर्ल फ्रॉम कठुआ, और टाइटल ही देख लीजिए, सैक्रिफिशियल लैम फॉर गजवाए हिंद। तो आप किताब के टाइटल से ही समझ सकते हैं कि किस दृष्टिकोण से इस किताब को लिखने का प्रयास किया है। इतना साहसी कदम, और खासकर जब मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में विचाराधीन, ट्रायल अभी कुछ समय पहले ही कंक्लूड हुआ, एक क्रिटिकल एनालिसिस जजमेंट का भी मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है, ना केवल साहस बल्कि ऑब्जेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो साहस और ऑब्जेक्टिविटी से भरी हुई ये किताब है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज स्टॉल पे भी बाहर भी ये किताब रखी गई। हाँ, आज का कार्यक्रम पन कश्मीर, हम आज के दिन एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें हाल ही में लिखी हुई एक पुस्तक जो रसाना कांड था उसके विभिन्न पहलुओं पर एक देश की जानी मेहचानी जो जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल है मधुकिश्वर ने जिसको लिखा है द गर्ल फ्रॉम कठुआ, उसका विमोचन भी कर रहे हैं और साथ में आंतरिक विघटन इंटरनल सबवर्शन जो पॉलिटिकल सिस्टम का और गवर्नमेंट का है उस पर बात करेंगे एक सेमिनार के रूप में। हम समझते हैं कि ये जो एक किताब है द गर्ल फ्रॉम कठुआ, ये इन रीसेंट टाइम्स भारत में इंटरनल सबवर्शन पे एक मेजर स्टडी है, एक यूनिक स्टडी है। हम चाहते हैं कि सब लोग इसको देखें और हमारे राजनीतिक तंत्र का और हमारे जो गवर्नमेंट के तंत्र का अंदर से जो विघटन की प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयत्न करें। देखिए, अब तो हम समझेंगे कि ये सफल होना चाहिए, भारत सरकार ने जो ये किया है, तो हालात स्टेट में जम्मू में भी और कैसे हैं वो आपके ध्यान में ऑलरेडी है, तो हम तो आशा करते हैं कि ये इस G20 का ये पूरा जो ये प्रकल्प है ये सक्सेसफुल हो जाए, और हमारी इच्छा है कि जो भी सरकार ने इसके बारे में अपने निष्कर्षों को रखा है वो बराबर हो जाए। एक बात है इसमें कि यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा का माहौल क्या है, इस बात का यह सूचक है कि लगभग सारे हिंदुओं को जो कश्मीर में रह रहे हैं उनको बोल रहा है कि या तो आप घर में रहें या तो आप जम्मू जाएं। तो जो ये हाल ही में कुछ समय पहले सरकार ने कहा कि वहाँ पे सुरक्षा ठीक है, सब कुछ है, वो बिल्कुल सामने आता है।
और अभी आपको मालूम है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई हम जब बिलावल बिट्टू के बारे में जो SCO में आए थे उनने उसके बारे में ये बात की कि भाई हम जो लोग टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे। जिस माशरे में टेररिज्म पनप रहा हो, जहाँ पे जिनोसाइड की घटना घट रही हो, वहाँ पे विक्टिम्स को परपेट्रेटर्स के माहौल के बीच में रहने की बात कहना किस तरह से उचित है, भारत सरकार को ये सोचना चाहिए। हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिलोकेट करना चाहिए जम्मू में।